सो गाइस मैंने एक चैनल क्रिएट किया था और उस पर भाई बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है। चैनल मोनेटाइज भी हो चुका है और उस पर बहुत अच्छी खासी भाई अर्निंग भी हो रही है, क्योंकि मैंने चैनल क्रिएट करते टाइम ही भाई कुछ ऐसा सेटिंग अप्लाई कर दिया था जिससे मेरा चैनल स्टार्टिंग से ही ग्रो हुआ है। चैनल क्रिएट करते टाइम ही हमें वो सब सेटिंग करनी होती है जिससे स्टार्टिंग से ही आपके चैनल पे बूस्ट मिले और व्यूज आए, जिससे आपका 1000 सब्सक्राइबर और 4000 घंटे का वॉच टाइम पूरा हो सके और आप जल्द यूट्यूब से पैसा कमा पाओ। क्योंकि भाई हम लोग जानते हैं यूट्यूब चैनल से पैसे कमाने के लिए जो मिनिमम क्राइटेरिया है वो 4000 घंटे का वॉच टाइम और 1000 सब्सक्राइबर होता है। ये कंप्लीट करने के बाद ही आप यूट्यूब चैनल से पैसे कमाने के लिए एलिजिबल हो पाओगे। सो आज के इस वीडियो में हम एक चैनल क्रिएट करने वाले हैं फुल सेटिंग के साथ, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है भाई। सो इस वीडियो को बिना स्किप किए भाई एंड तक देखना। सो गाइस यहाँ हम चले आते हैं अपने फोन के स्क्रीन पर और सबसे पहले आप लोग को यूट्यूब एप्लीकेशन ओपन कर लेना, क्योंकि भाई वहीं से हम लोग का जीमेल अकाउंट बनेगा। यूट्यूब चैनल बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग को भाई जीमेल अकाउंट चाहिए होता है। अगर आपके पास जीमेल अकाउंट है तो भाई बहुत बढ़िया है, बट हम भाई रिकमेंड करेंगे भाई जब सबसे न्यू खोली रहे हो भाई तो एक नया जीमेल अकाउंट भी, उसके लिए प्रोफेशनल वाला जीमेल अकाउंट खोल लो। तो सबसे पहले हम लोग यूट्यूब पे चले आते हैं, ठीक है। यूट्यूब पे आने के बाद आपको भाई साइड वाले अपने प्रोफाइल वाले सेक्शन पे चले आना है, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा चैनल यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है और यहाँ पे भाई स्विच अकाउंट का ऑप्शन मिलेगा आपको। स्विच अकाउंट पे क्लिक करके यहाँ पे आपको भाई प्लस वाले साइन पे अकाउंट पे क्लिक कर देना, देन आप यहाँ से ही भाई नया चैनल को नया ईमेल आईडी को आप क्रिएट कर पाओगे, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे लॉक स्क्रीन मांगा जाए तो हम यहाँ पे पासवर्ड आराम से सिंपली दे देते हैं। यहाँ पे चेकिंग इन्फो हो रहा है, देन यहाँ पे हम लोग को सबसे पहले भाई गूगल अकाउंट भाई क्रिएट करना है। सो सबसे पहले यहाँ पे क्रिएट अकाउंट वाले ऑप्शन को क्लिक करना है, देन यहाँ पे पर्सनल यूज़ वाले ऑप्शन को क्लिक करना है, क्योंकि हम बिजनेस के लिए तो बना रहे हैं, पर्सनल यूज़ है मेरा। देन यहाँ पे आपको यहाँ पे भाई अपना नाम डालना है, जो भी आपका नाम है आप यहाँ पे नाम डाल देना, लास्ट नेम आप डाल देना जो भी आपका लास्ट नेम हो, आधार कार्ड के अकॉर्डिंग ही डालना भाई, वो बेटर रहता है, बाद में आपको वेरिफिकेशन कराने में कोई दिक्कत नहीं होता है। उसके बाद यहाँ पे आपको डेट ऑफ बर्थ डालना है, तो जो भी आपके डेट ऑफ बर्थ है वो आपका आधार कार्ड से एग्जैक्टली आप बिल्कुल भाई डाल देना। देन यहाँ पे मेल और फीमेल डाल देना, जेंडर डाल देना। उसके बाद आपको यहाँ पे एक ईमेल आईडी यहाँ पे मांगा जाएगा कि आप ईमेल कौन सा बनाना चाहते हो, तो भाई हम सिंपली यहाँ पे ईमेल आईडी डाल देते जो भी मुझे बनानी है। सो यहाँ पे ईमेल आईडी हम डाल चुके अपना और यहाँ पे नेक्स्ट वाला बटन पे क्लिक कर देते हैं। देन यहाँ पे मुझसे पासवर्ड मांगा जा रहा है कि आप पासवर्ड नया क्रिएट करके डालिए, सो यहाँ पे हम पासवर्ड भी डाल देते हैं जो भी मेरा पासवर्ड है। उसके बाद यहाँ पे हम नेक्स्ट वाले बटन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे मेरा ईमेल आईडी बन के आ चुका है, देन यहाँ पे हम लोग को नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट बटन पे क्लिक करने के बाद हम लोग यहाँ पे प्राइवेसी एंड टर्म पे क्लिक करना होगा, एग्री। देन यहाँ पे अगला पेज का हम लोग वेट कर लेते हैं, उसके बाद भाई देख लेते हैं क्या आता है। सो यहाँ पे एक नया गूगल अकाउंट ओपन हो चुका है और भाई अब 2 मिनट में हम लोग का चैनल भी क्रिएट हो जाएगा और भाई सेटिंग के लिए भी हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। सो यहाँ पे जस्ट अ सेकंड आ रहा है, जस्ट अ सेकंड का मोमेंट आ रहा है, तो यहाँ पे हम लोग कुछ देर रुक जाते हैं, क्योंकि भाई सबसे पहली बार जब जीमेल अकाउंट बनता है तो यहाँ पे कुछ टाइम लगता है जीमेल अकाउंट बनने में। जब तक भाई जीमेल अकाउंट आपका होगा नहीं, आप गूगल अकाउंट यूट्यूब अकाउंट भाई क्रिएट नहीं कर पाओगे। और उसके बाद भाई आपको जीमेल एडसेंस अकाउंट भी क्रिएट करना होता है, पर भाई वो सब प्रोसेस होता है आपका वो जब 4000 घंटे का वॉच टाइम और 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद का ये प्रोसेस है। तो यहाँ पे हम सिंपली भाई वेट कर लेते हैं थोड़ा देर, क्योंकि भाई ये जस्ट अ सेकंड यहाँ पे मोमेंट ले रहा है। सो गाइज यहाँ पे मेरा नया जीमेल अकाउंट खुल चुका है, अब यहाँ से भाई हम लोग को चैनल क्रिएट करना है। सो नया जीमेल अकाउंट आप यहाँ पे देख भी सकते हो यहाँ पे है, और यहाँ पे भाई लिखा भी आ रहा है यहाँ पे, जब भी आप प्रोफाइल वाले सेक्शन पे जाओगे जो कि लास्ट वाले राइट साइड में आपको राइट कॉर्नर पे मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको लिखा जाएगा भाई क्रिएट अ चैनल, सो सिंपली आप लोग यहाँ पे क्रिएट अ चैनल पे क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ से आप लोग को भाई नाम डालना होगा, आप चैनल का नाम क्यों डालना चाहते हो भाई, कौन सा नाम डालना चाहते हो भाई, हम सजेस्ट करेंगे भाई यूनिक नेम डालो जो कि यूट्यूब पे अवेलेबल ना हो, वो बेटर रहता है भाई, आपको इजीली रैंक करने में भाई काफ़ी ज़्यादा मदद करता है। सो भाई ट्रायल के लिए भाई अपना नाम डाल लेते हैं, सो यहाँ पे आदित्य गुप्ता जो भी मेरा नाम है यहाँ पे हम डाल के यहाँ पे सेव कर लेते हैं। देन यहाँ पे मेरा चैनल यहाँ पे ओके हो चुका है, ठीक है। अब यहाँ पे मुझे हैंडल भी डालना है भाई, हैंडल क्या होता है भाई, हैंडल जस्ट लाइक अ यूजर नेम भाई, जो भी आप यहाँ पे हैंडल डालोगे वही आपके जब भी आप कमेंट करोगे या जब भी आप किसी का पोस्ट लाइक करोगे तो वहाँ पे भाई यही हैंडल का नाम जाता है भाई। तो सिंपल यहाँ पे हम हैंडल सिर्फ आदित्य गुप्ता ही रहने देते हैं। और यहाँ पे आप एक चीज़ याद रखना, यहाँ पे आप स्पेस डाल के शायद नहीं कर सकते हो, ठीक है। सो यहाँ पे स्पेस हम नहीं डाल सकते हैं, तो हम आदित्य गुप्ता ही सिंपली रहने देते हैं और यहाँ पे सेव कर लेते हैं। सो यहाँ पे दिस हैंडल इज़ नॉट अवेलेबल, जो भी मेरा हैंडल आदित्य गुप्ता ये हैंडल अवेलेबल नहीं है, क्योंकि ये और किसी लोगों ने ले रखा है भाई, मैंने आपको बताया ना जस्ट लाइक यूज़र नेम है भाई, ठीक है। तो हम इसको बाद में ऐड कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आप यहाँ से इसको क्रिएट अ चैनल पे क्लिक कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे क्रिएट अ चैनल पे क्लिक कर देने के बाद आपका यहाँ पे काम भाई ख़त्म हो गया, आपका यहाँ पे चैनल क्रिएटेड हो चुका है, नीचे से मैसेज भी आ चुका है, ठीक है। अब यहाँ पे आप लोगों को क्या करना है, अब देखो भाई यहाँ पे सारा चैनल क्रिएट कर चुका है, व्यू चैनल पे हम लोग आ जाते हैं, यहाँ पे मैनेज वीडियोस वगैरह आ रहा है, यहाँ पे मोर अबाउट दिस चैनल का ऑप्शन है, सो सिंपली आप लोग को इस पर क्लिक करना है।
यहाँ पे आप लिखा भी चुका है ज्वाइंड ऑन 22 अप्रैल 2024 को आपने चैनल क्रिएट किया। अब देखो भाई यहाँ पे एडिट वाला ऑप्शन है, पेंसिल का निशान आपको दिखा जाएगा, इस पर आप लोग को यहाँ पे क्लिक कर देना। अब यहाँ से आप क्या क्या एडिट कर पाओगे वो देखो भाई, यहाँ पे सबसे पहले भाई आप डिस्क्रिप्शन में आपको क्या क्या लिखना है भाई, ठीक है। तो यहाँ पे भाई डिस्क्रिप्शन में वही लिखा जाता है, हाय हेलो मेरा नाम आदित्य है और मैं इस टॉपिक से रिलेटेड भाई वीडियो बनाऊंगा और ये मेरा इंस्टाग्राम का URL है और मेरा फेसबुक का है, आप मुझे यहाँ पे सपोर्ट कर सकते हैं। सो भाई यही है, यही यहाँ पे लिखा जाता है, आप किसी भी यूट्यूबर्स का देख लेना भाई, अबाउट सेक्शन में जाकर आपको वहाँ पर मिल जाएगा हाय हेलो डिस्क्रिप्शन वगैरह, ठीक है। सो यहीं पर मेरा भाई यहाँ पर इतना काम भाई यहाँ पर इसका ख़त्म हो जाता है। अब भाई इसको नेक्स्ट आप सेटिंग पर हम लोग को आगे चलना है, ठीक है। अब सेटिंग पर हम लोग कैसे जाएंगे, अब देखो भाई अब यहाँ पे आप लोग को क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लेना है। सो गाइज आप लोग को क्रोम ब्राउज़र पे आने के बाद YT स्टूडियो ओपन कर लेना है, ठीक है। सो यहाँ पे यूट्यूब स्टूडियो हम लोग देख लेते हैं कौन सा है। सो फर्स्ट वाला URL है YouTube स्टूडियो, और आप ये जब भी ओपन करोगे भाई तो आप अपने YouTube के इस वाले सेक्शन में पहुंच जाओगे, YouTube के YT स्टूडियो एप्लीकेशन में पहुंच जाओगे। आप लोग को इसको ओपन कैसे करना है आप ये देखो, इस पर आप लॉन्ग प्रेस करोगे देन यहाँ पे आपको ओपन इन न्यू टैब इस वाले ऑप्शन को आप लोग क्लिक करना है, ठीक है। देन हम लोग को यहाँ पे न्यू टैब ऑप्शन खुल चुका रहेगा YT स्टूडियो का। सो यहाँ पे मेरा पर्सनल जो मेरा YouTube चैनल है भाई उसका यहाँ पे खुल रहा है, ठीक है। तो हम यहाँ पे इसको अकाउंट को स्विच करना पड़ेगा मुझे, Gmail अकाउंट को। सो यहाँ पे मेरा जो Gmail अकाउंट है इसको हम यहाँ पे स्विच कर लेते हैं, यहाँ पे स्विच अकाउंट कर लेते हैं, और जो मैंने अभी जो मैंने रिसेंटली क्रिएट किया है वो हम यहाँ पे चूज़ कर लेते हैं। सो गाइस यहाँ पे मेरा सक्सेसफुल नया जीमेल अकाउंट जो मैंने क्रिएट किया था वो यहाँ पे लॉगिन हो चुका है, ठीक है। अब यहाँ पे भाई आप लोग को क्या क्या सेटिंग करना है भाई सबसे पहले वो देख लो। अब आप लोग को सबसे पहले भाई इस मोनेटाइजेशन वाले सेक्शन में जाना है, जहाँ पे आपको लिखा जाएगा भाई यहाँ पे 4000 घंटे का वॉच टाइम और 1000 सब्सक्राइबर जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो कंप्लीट करने के लिए। खैर इस सब का आप लोगों को सबसे पहले आप लोग नहीं जाना, आप लोग को सबसे पहले सेटिंग करना है। देन आप लोग को यहाँ पे चले जाना है इस 3 डॉट वाले सेक्शन पे, लाइन पे यहाँ पे कस्टमाइजेशन का सेक्शन भाई आपको मिल रहा है, इस पर आप लोग को सिंपली यहाँ पे क्लिक कर देना। अब यहाँ से हम लोग को भाई क्या क्या कस्टमाइज़ करना है भाई वो हम लोग देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले भाई चैनल ट्रेनर फॉर पीपल हु हैव नॉट सब्सक्राइब, ये तो भाई वीडियो के लिए हो गया, आप कोई भी वीडियो लगा सकते हो जिससे आपका जो सब्सक्राइबर है वो आ पाए, वो सबसे पहले आपके चैनल का ट्रेनर देखेगा कि आपका चैनल किस टाइप का है, वो आप एक शॉर्ट वीडियो बना के डाल सकते हो और यहाँ पे उसका लिंक भी डाल सकते हो, वो सब इसमें फीचर्स वगैरह ऐड करने के लिए। देन हम लोग को यहाँ पे ब्रांडिंग पे चले आना है, ठीक है। ये वहाँ पे आपको कुछ सेटिंग करने का ऑप्शन नहीं, यहाँ पे ब्रांडिंग का ऑप्शन है, ब्रांडिंग पे हम लोग को चले आना है। देन यहाँ पे भाई आपको सबसे पहले प्रोफाइल फोटो ऐड करना है, जो भी आपका प्रोफाइल फोटो भाई ऐड करना बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपका यूट्यूब चैनल भाई उससे काफ़ी ज़्यादा प्रोफेशनल लुक देता है प्रोफाइल फोटो में, ठीक है। और यहाँ पे आपको चैनल बैनर का इमेज भी डालना भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आप चैनल मोनेटाइजेशन के लिए भेजोगे तो आपका भाई प्रॉपर वो चैनल लगना चाहिए कि हाँ भाई आप उस पर काम कर रहे हो, आप एक्टिव हो, तो इसलिए भाई बैनर लगाना भाई बहुत ज़्यादा जरूरी है चैनल का। और यहाँ पे एक वाटरमार्क होता है जो कि आप वीडियो देख रहे हो उसके सबसे लास्ट में जो नीचे के साइड में जो होता है भाई राइट साइड में वो उसका होता है वाटरमार्क, वो आप वहाँ पे कुछ भी डाल सकते हो, नाम वाम वगैरह सब्सक्राइब का एनिमेशन में डाल सकते हो, ठीक है। तो वो यहाँ पे होता है। देन यहाँ पे हम लोग को यहाँ पे बेसिक इन्फो पे चले आना है, ठीक है। बेसिक इन्फो में भाई क्या है, यहाँ पे भाई आपको डिस्क्रिप्शन लिखना है, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में आप चाहो तो लिख सकते हो, और जब भी आप कोई वीडियो अपलोड करोगे तो ये ऑटोमेटिकली डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ आएगा, आपको हर एक वीडियो में डिस्क्रिप्शन लिखने का जरूरत नहीं है, यहाँ पे वो वही चीज़ है, ठीक है। ऐड यहाँ पे लैंग्वेज है, आप लैंग्वेज को यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो, जो भी आप लैंग्वेज में वीडियो बनाते हो, ठीक है, वो आप यहाँ पे सिंपल सा सेलेक्ट कर सकते हो। तो आप अपने अनुसार देख लेना आप किस भी लैंग्वेज में वीडियो बनाते हो, वो आप यहाँ पे डाल लेना। दूसरा चीज़ भाई यहाँ पे ऐड लिंक आप कर सकते हो, सपोज़ ऐड लिंक पे हम लोग को क्या क्या करना है, जैसे हम लोग इंस्टाग्राम लिख देते हैं, ठीक है, इंस्टाग्राम लिखना है तो यहाँ पे इंस्टाग्राम का यहाँ पे लिंक डालना है, वो सब आपके प्रोफाइल में आता जाएगा भाई हर एक में सेक्शन में। इंस्टाग्राम पे क्लिक करोगे तो भाई इंस्टाग्राम का लिंक यहाँ पे डाल दोगे, फेसबुक का डालोगे तो फेसबुक का लिंक यहाँ पे डाल दोगे, तो भाई यही सब है। और एक चीज़ और भाई यहाँ पे भाई कॉन्टैक्ट इन्फो है, अगर भाई कोई ब्रांड आपसे कॉन्टैक्ट करती है तो वो कैसे करेगी, ये ईमेल एड्रेस आपको डालना पड़ेगा भाई, जो भी आपका प्रोफेशनल ईमेल एड्रेस है वो आप यहाँ पे ईमेल एड्रेस डालो भाई, तभी आपको ईमेल के जरिए आपको ब्रांड आपको प्रमोट करेगा कि हाँ भाई मुझे स्पॉन्सरशिप करवानी है। आप उसी ईमेल को, ये ईमेल आप डालोगे तो वो उस सामने वाले को भाई हाईलाइट होगा, सामने वाले को दिखेगा और उस पर ही आपको कम्युनिकेशन के जरिए बातचीत किया जाएगा। ब्रांड प्रमोशन भाई अधिकतर इसी से ईमेल से ही होती है, ठीक है। ये सब चीज़ है यहाँ पर, आपको सेटिंग करने के बाद यहाँ पर आपको पब्लिश पर क्लिक कर देना है। चलो भाई ये तो हो गया भाई बेसिक चीज़। एक और सेटिंग है भाई यहाँ पे जो कि आप लोग को बताने वाला, यहाँ पे हम लोग को डैशबोर्ड पे चले आते हैं, ठीक है। डिस्कार्ड सेटिंग हम लोग कर देते हैं क्योंकि मैंने अभी तक कोई सेटिंग किया नहीं है, वो सेटिंग हम बाद में करेंगे। देन यहाँ पे हम लोग प्रोफाइल पे चले आते हैं, देन यहाँ पे योर चैनल का ऑप्शन है, इस पे हम लोग को क्लिक कर देते हैं, ठीक है। सो ये बार बार यूट्यूब स्टूडियो में चला आ रहा है, ठीक है। तो हम लोग इसको वापस से क्रोम पे जाते हैं, देन यहाँ पे भाई हम लोग को कस्टमाइजेशन का ऑप्शन, यहाँ पे सबसे नीचे में आप देखोगे तो आपको सेटिंग का ऑप्शन मिलेगा भाई, सबसे नीचे में देखो
सबसे नीचे हम लोग स्क्रॉल किए हैं। अगर लैपिंग में तो बहुत इजीली से दिख जाता है भाई, फोन स्क्रीन पे आप लोग को नीचे में देखना पड़ेगा। इस सेटिंग पे आप लोग को क्लिक करना है, ठीक है। सेटिंग पे क्लिक करोगे भाई तो आपको यहाँ पे ही भाई सारा कुछ मिलता है। आपको इंडियन करेंसी में है US डॉलर, जब भी आपका चैनल मोनेटाइज होगा तो कौन सा भाई आप किस भी सिटी में रहते हो वो US डॉलर में वो करेंसी दिखाने लगता है। अगर आप इंडियन रुपये में करोगे तो आप कितना रुपया अभी तक कमाए हो वो सब इंडियन रुपये में दिखाना शुरू कर देगा। तो भाई US डॉलर काफ़ी देखने में सही रहता है भाई, इसलिए वो US डॉलर ही हम लोग बाई डिफॉल्ट रखते हैं। यहाँ पे हम लोग के पास चैनल पे क्लिक कर देना। अब देखो भाई यहाँ पे चैनल में क्या है, आप किस कंट्री में रहते हो भाई वो कंट्री सेलेक्ट करना है, क्योंकि आपका वीडियो उसी कंट्री में सबसे ज़्यादा भेजा जाएगा भाई, ठीक है, उसी कंट्री के अकॉर्डिंग ही। तो यहाँ पे हम सिंपली, यहाँ पे भाई इंडिया है तो हम लोग यहाँ पे इंडिया को सिलेक्ट कर लेंगे। सो सिंपल यहाँ पे हम इंडिया को सिलेक्ट कर दिए। और यहाँ पे भाई अब कीवर्ड आ गया। भाई कीवर्ड क्या है, कीवर्ड भाई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके चैनल को बूस्ट करने के लिए, ठीक है। आप जब भी सर्च करते हैं, कोई भी पब्लिक अगर कोई भी सर्चेबल कोई भी कंज्यूमर अगर सर्च करता है तो उसके लिए भाई कीवर्ड सबसे ज़्यादा मायने रखता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप जब भी हम जैसे यहाँ पे हम कीवर्ड डालते हैं आदित्य गुप्ता, और आदित्य गुप्ता नाम से भाई कोई सर्च करेगा तो भाई मेरा भी चैनल उसको दिखेगा। सो दैट इज़ कॉल्ड कीवर्ड भाई। जिस भी जैसे कोई लोग टेक्निकल आदित्य लगाता है, टेक्निकल ये हो गया, टेक्निकल गुरुजी हो गया, तो वो सब भाई यहाँ पे कीवर्ड डाला जाता है ताकि हम लोग का फिल्ट्रेशन में आए भाई, हम लोग का सर्च में हम लोग का चैनल रैंक करे। सो दैट इज़ कॉल्ड भाई कीवर्ड, इसीलिए भाई हम लोग को कीवर्ड डाला जाता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग को यहाँ पे आ जाना है अपलोड डिफॉल्ट। अपलोड डिफॉल्ट वाले सेक्शन में क्या है भाई, वो यहाँ पे भाई डिस्क्रिप्शन लिखना है। जो भी आप डिस्क्रिप्शन लिखोगे वो बार बार भाई वो हर एक वीडियो में ऑटोमेटिक लग के वो आता जाएगा भाई, आपको कुछ भी मेहनत करने का जरूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ पे परमिशन हो गया। परमिशन में क्या है भाई, हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे आप दूसरे ऑनर को भी भाई इनवाइट कर सकते हो कि आपका चैनल को मैनेज करे। खैर अभी भाई उस लेवल पे आदमी नहीं, उस चैनल पे भाई अभी तक नहीं पहुँचा है जो आप किसी ऑनर को किस और को भाई अथॉरिटी दो इस चैनल को यूज़ करने के लिए। खैर भाई कम्युनिटी पे हम लोग चले आते हैं। कम्युनिटी पे क्या है भाई, कम्युनिटी पे ये है कि आप कौन कौन सा हिडन वर्ड्स जो कमेंट में भाई कुछ गाली गलौज होता है भाई, तो आप उस वर्ड को भाई यहाँ पे मैनुअली टाइप करोगे तो उस वर्ड से जो भी रिलेटिव है ना भाई वो सबको ब्लॉक कर देगा, वो कमेंट को जाने ही नहीं देगा, कमेंट को पब्लिश ही नहीं होने देगा। सो ये है यहाँ पे क्रिएटर डेमोग्राफी भाई नॉर्मल हो गया, और एग्रीमेंट अभी तक आया नहीं है क्योंकि मेरा चैनल मोनेटाइज नहीं हुआ। जब मोनेटाइज हो जाएगा तो यहाँ पे एग्रीमेंट भी आ जाएगा, क्योंकि हम लोग के बीच और यूट्यूब के बीच एग्रीमेंट होता है। सो यहाँ पे वो वही चीज़ दिखाई देने लगता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग को सिंपली यहाँ पे सेव कर देना जो भी आप लोग का सेटिंग होगा, ठीक है। उसके बाद भाई आप लोग को एक चीज़ ध्यान रखना है, जब भी आपको YouTube वीडियो अपलोड करो आप YT एप्लीकेशन भाई जरूर रखना है। YouTube के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है YT एप्लीकेशन, और आप वहीं से उस चैनल को मैनेज कर सकते हो भाई, ठीक है। YT एप्लीकेशन से आप थंबनेल डाल सकते हो, टैग लगा सकते हो, डिस्क्रिप्शन लिख सकते हो, और भाई थंबनेल बढ़िया बनाना है आपको भाई, तभी जाके आप, और आपको भाई वीडियो भी इंगेजिंग बनाना है भाई। वीडियो के 5-10 सेकंड पे आपको कोई ना कोई क्लिप ऐड करनी है जिससे हमारा जो व्यूअर्स है वो बोर ना हो भाई। यही सब ट्रिक होता है भाई YouTube वीडियो को वायरल करने का, ठीक है। और ऐसी भाई एक नॉर्मल सब सेटिंग थी जो कि मैंने आप लोगों को बता दिया है। टैग आपको भाई अच्छे खासे डालने हैं भाई, एकदम रिलेटिव टैग डालना भाई। अगर कोई भी आप गलत टैग डालते हो तो भाई उड़ा देगा भाई चैनल आपका। अगर आप जिस दिन YouTube पकड़ लिया भाई कि आपका वीडियो किसी और कंटेंट के रिलेटेड है और आप टैग डाले दूसरा कंटेंट के रिलेटेड, तो आपका YouTube चैनल डायरेक्ट एक बार में एक शॉट में क्लियर। सो गाइस यही एक छोटा सा वीडियो था, उम्मीद करते हैं भाई वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और अनदर टॉपिक के साथ।